किसानों के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर उतरे राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी। किसान विरोधी कानून के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का विशाल मार्च। पूरे देश में राजभवन का घेराव कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। ग्वालियर के भाजपा नेता प्रमोद परमार ने सरेआम दिखाई दबंगई। आनंद चौराहे पर तलवार से काटे जन्मदिन के 12 केक। समर्थकों के साथ वीडियो हुआ वायरल। जौनपुर से पुलिस ने 10 घंटों के अंदर 3 लड़कियों को किया बरामद। एसपी जौनपुर राजकरण ने मामले में बताया कि घर से स्कूल के लिए निकली लड़कियां बड़े सपने लेकर मुंबई जा रही थी। एसपी ने सर्विलांस टीम के कामयाबी देखते हुए 10,000 रुपए का इनाम दिया। मध्य प्रदेश ग्वालियर में पुलिस ने बरामद किया महिला का शव। फांसी पर झूल रहा था महिला का शव। मृतका का नाम पूनम बानो बताया गया। मृतका के परिजनों ने बताया कि अशोक खान नाम का युवक उसे परेशान करता था, उसी ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के सौरा में शासकीय जमीन के अधिग्रहण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मुक्त कराई लगभग 12 करोड़ कीमत की जमीन। भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कराया जा रहा था कॉलोनी का निर्माण। राजस्व और पुलिस टीम ने देर रात तक की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कासगंज पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने घर में बोला धावा। पड़ोसियों ने घर मालिक और पुलिस को फोन पर दी सूचना। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस कर रहे थे खुले मंच पर बालाओं के साथ मस्ती। दर्शकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ये वीडियो तंबौर के ग्राम पंचायत छंतागुर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में लुटेरों ने ड्राइवर समेत डीसीएम लूटी। कल्याणपुर और मलबा के हाईवे पर दिया वारदात को अंजाम। ड्राइवर को कादीपुर गांव के पास कार से फेंक कर फरार हुए बदमाश। पुलिस डीसीएम चालक से कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इंडियन ऑयल की भूमिगत पाइपलाइन को तोड़कर डीजल चोरी। तकरीबन 9 लाख रुपए का डीजल हुआ चोरी। आधी रात में दिया चोरी घटना को अंजाम। पुलिस घटना की जांच में जुटी। फरुखाबाद में दबंगों खौफ से परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर। दबंग दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को दी शिकायत, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में कंबल के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहे गरीब। कलेक्ट्रेट और तहसील में लगी कंबल लेने वाली महिलाओं की भीड़। एडीएम बोले 3,000 से ज्यादा कंबल हो चुके हैं वितरित। बड़ा सवाल, गरीबों को मिलने वाले कंबल पर कौन डाल रहा है डाका। उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जत नगर के शिव पार्वती मंदिर में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में दान पात्र ले जाते चोरों की तस्वीरें कैद। इज्जत नगर इलाके में नहीं रुक रही है चोरी की वारदातें। पुलिस के हाथ अभी तक खाली। कानपुर देहात में युवती से छेड़छाड़ करना पड़ा शोहदों को महंगा। युवती ने बीच बाजार जमकर की शोहदे की धुनाई। शोहदे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। झारखंड के गिरिडीह में मुफस्सिल थाना इलाके के जीतपुर पंचायत के अंबाटान में धारदार हथियार से महिला की हत्या। पति ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात को अंजाम देने के बाद पति फरार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की कान्हा की नगरी में भी हुई शुरुआत। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी जुटे अभियान में। सांसद हेमा मालिनी ने भी की सहभागिता। 1,01,000 का दिया चेक। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में कई घंटे इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पीड़िता मोटरसाइकिल से पहुंची अस्पताल। 1.5 घंटे तक अस्पताल के गेट पर ही पड़ी रही प्रसूता। प्रसूता ने अस्पताल के गेट पर ही दिया बच्चे को जन्म। मुजफ्फरनगर में नशेड़ी युवक ने विकलांग वृद्ध पर चाकू से किया जानलेवा हमला। युवक का चाकू से हमला करते हुए वीडियो वायरल। पीड़ित परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गांव बकरा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। लखीमपुर खीरी के नौरंगाबाद चौराहे पर आपसी विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़े। पुलिस के सामने ही दबंग कर रहे थे मारपीट। दबंगों में नहीं दिख रहा पुलिस का डर। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस का दिखा मानवीय रूप। ठंड से ठिठुरते माला बेच रहे बुजुर्ग को दी अपनी जैकेट। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री के 4 छात्रों को पकड़ा। एक राइफल सहित बंदूक 2 तमंचे कारतूस के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद। अमापुर क्षेत्र के गाँव करसाना में चल रहा था अवैध शस्त्र फैक्ट्री का काम। पीएम मोदी ने कहा पूरे दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में मिलने जा रही है, जिसकी कीमत लगभग 206 रुपए होगी। अन्य देशों के मुकाबले भारत में कम कीमत की वैक्सीन है उपलब्ध। एमपी के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा एक नन्हा काला तेंदुआ। काले तेंदुओं को देखने में बड़ी संख्या में सैलानी पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। काले तेंदुए की उम्र लगभग 5 से 6 महीने बताई जा रही है। दमोह के पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी ने आज वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद का कार्यभार किया ग्रहण। दुमका के कांग्रेस भवन में मकर संक्रांति के मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा हमारे कोयला से दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु में होती है रोशनी। आरबीआई खाते से बकाया काटने पर केंद्र पर साधा निशाना। कहा अगर डीवीसी ने झारखंड की लाइन काटी तो नहीं बख्शेंगे।
हमीरपुर के जिला अस्पताल में पहुंची कोरोना वैक्सीन। पहली बार 6400 वैक्सीन पहुंचाई गई। सबसे पहले हमीरपुर के स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन डोज को किया जा रहा है शिफ्ट। इटावा पुलिस ने 36 घंटे में किया मजदूर की हत्या का खुलासा। दो दिन पहले सिर कूच कर की गई थी हत्या। हत्या केवल 2000 रुपए ना चुका पाने के कारण हुई। आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। सपा सांसद एसटी हसन ने दिया विवादित बयान। योगी सेना ने एसटी हसन का फूंका पुतला। लगाए मुर्दाबाद किनारे। राम मंदिर कार सेवकों पर चंदा के वक्त पत्थरों से स्वागत करने का वीडियो हुआ था वायरल। योगी सेना ने एसटी हसन को पार्टी से बाहर निकालने के लिए अखिलेश यादव से की मांग। यूरिया और नशीली गोलियों से शराब बनाने का खुलासा। बुलंदशहर में ही बनाते थे शराब। पुलिस ने 118 पौवे 20 लीटर मिश्रित शराब, नकली QR कोड, यूरिया और खाली पौवे किए बरामद। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटकता मिला अज्ञात युवक का शव। शव देखकर इलाके में दहशत। शव देखकर ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत निम्बोला में कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में दिया धरना। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने मोदी सरकार को कोसते हुए किसान बिल का किया विरोध। उन्होंने कहा कि किसान बिल वापस लिया जाए और किसानों के हित में निर्णय लें। हमीरपुर में राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान की हुई शुरुआत। जिला संयोजक रामदत्त पांडे ने 1,00,000 का चेक देकर महाअभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में सदर विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष सहित RSS के सदस्य भी रहे शामिल। 28 फरवरी तक चलेगा ये महाअभियान। जनपद में 320 समिति राम मंदिर निर्माण के लिए करेंगे धन संग्रह। श्रावस्ती जिले में कल कोरोना वैक्सीन की शुरुआत को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अभी पहले चरण में 3 बूथ बनाए गए हैं जहां पर 100-100 लोगों को लगेगा टीका। सुरक्षा के लिए किए गए हैं पूरे इंतजाम। देवघर में जसीडी थाना क्षेत्र के संथाल में अपने गांव में काम करने के दौरान मिट्टी में दबकर मजदूर की हुई मौत। मृतक की पत्नी की मांग, शव को कानूनी प्रक्रिया के तहत मेरे घर लाया जाए, साथ ही मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए मदद दी जाए। परतापुर इलाके के रिठानी में डॉक्टर अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल के एक शिक्षक ने अपने छात्र को पीट पीट कर किया अधमरा। छात्र कक्षा में पाठ नहीं सुना पाया था। चिकित्सक ने छात्र की हालत गंभीर बताई। राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान अयोध्या में हुआ शुरू। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद करेंगे धन संग्रह। 400 स्थानों से टोलियां निकालकर करेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्र। 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा अभियान। राम मंदिर निर्माण में इकबाल अंसारी भी देंगे चंदा। इकबाल अंसारी ने कहा कि बात धर्म की है, इसलिए लोगों को बढ़ चढ़कर चंदा देना चाहिए। इसकी शुरुआत अयोध्या से शुरू की गई है और पूरे देश में समर्पण निधि अभियान चलाया जाएगा। बाराबंकी में 4 स्थानों पर 400 लोगों को कल लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली अपनी तैयारी। 4 केंद्रों पर 24 कर्मियों की लगाई ड्यूटी। वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थी का पूरा विवरण पोर्टल पर किया जाएगा अपलोड। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कलेक्ट्रेट के पास आज कांग्रेस ने आयोजित किया कार्यक्रम। प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता अजय सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों के विरोध में है। इस बिल से किसान आबाद नहीं बर्बाद हो जाएंगे।